आज के बाद कभी झगड़ा कैसे और इसे क्यों मार रहे हैं? के बाद आज हाथ लगी है, कौन बचाएगा तुझे? मरने को तैयार हो जा। लोग देवी को जानवरों की बलि देते हैं, मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ए नगाड़े बजाओ, सारे शहर को पता लगना चाहिए कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा। जाओ मार। हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़। गणेश सुनो। नहीं, सब कुछ समझ गया। अपने डर पर काबू रखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? देखो मेरी आंखों में, देखो देखो मेरी तरफ, देखो, देखती रहो।
हाथ में चढ़ा के ही रहूंगा। हाँ तेरे बाप का माल है ना, आजा हाथ लगा। हाथ लगाना चले। से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर देगा वो। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खोलता जितने तेरे धनुष के नाम से खोलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूँ कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। मैं तो ना लड़ने की कसम खाने वाला था, लेकिन आज इसी देवी के आगे प्रतिज्ञा लेता हूं, अब एक नया युद्ध आरंभ होगा। उसकी ताकत, मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच ये जंग का ऐलान है। एनी टाइम, एनी वेयर, एनी बॉडी, आई एम रेडी। पूरी बात बताओ बेटा, वो लोग कहां से आए थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे वो लोग? गणेश मुझे देखने मेरे गांव आया था। चाचा, एमएलए को देखने के बाद वहां जाने का कोई मतलब है? नहीं गए तो तेरे पापा नाराज हो जाएंगे, इसलिए जाना होगा। वहाँ जाकर उनसे कह देंगे, भैया हमें माफ करो, लड़की पसंद नहीं है। आए दिन मन पड़ जाती, गधे की बच्ची, उल्लू की बट्टी। लड़के वाले पहुँचते ही होंगे, तलाक दे दूंगा मैं तुझे किसी दिन। अरे जीप आ रही, लिफ्ट की भीख मांगता हूँ, लिफ्ट दे दे बाबा। मुझे आगे तक लिफ्ट दे देगा, मैं पीछे एडजस्ट हो जाऊंगा। थैंक यू भाई साहब, सही टाइम पे एंट्री मार के मुझे बाहर निकाल लिया मुसीबत से। अगर लेट हो जाता तो लड़की को देखने आए, लड़के को मैं कभी देख ही नहीं पाता। वो क्या है कि मैं अगर नहीं पहुंचता तो जेपी मुझसे नाराज हो जाता ना। आप टेंशन मत लीजिए, लड़का वहाँ पहुँचा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, वो लड़का अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहाँ? जो ये जीप चला रहा है वही बलि का बकरा है। तो वो तुम हो? क्या बॉडी बनाई है, कड़क कड़क है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो याद आया, बकरा है, अच्छा है। अरे नाम में क्या रखा है, तुम तो देखने में ही गबरू जवान हो, मेरी तरफ से तो एकदम हाँ है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? बीकॉम, अंगूठा छाप। हाँ तो शिक्षा और शादी का क्या कनेक्शन है, तुम तो एकदम फिट हो, हमें तो चलेगा। बहुत धीरे यार चाचा, बुराई का कोई असर नहीं हो रहा, ये शादी करवा के रहेगा। लड़की वाले भी इसके जैसे निकले तो हम केस हार जाएंगे। लानत है आप पे। छी, कुछ करना ही होगा चाचा। क्या करना होगा? अंकल जी। हाँ बोलो। इस एरिया में कोई डांस बार हो तो बताइए, शाम रंगीन करनी है। क्या धांसू बात कही है, आप लोग हमारे जैसे हैं खूब जमेगी। कौन सा डांस देखना है, मुजरा, लावणी, डांस बार, कैबरे या बम्बई बार? मुझसे मत पूछो, मेरे पापा से पूछो, ये जहाँ कहेंगे जाएंगे। ज्यादा शौकीन शर्ट समझ गया। मेरा भी डांस देखने का मन है। पास के गांव में एक बॉम्बे डांस बार है। ये क्या बात हुई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मेरा ससुराल है तो डांस भी मैं ही करूंगा। तुम नाचोगे तो भूकंप आएगा। पैदाइशी डांसर हैं हम बाप बेटे, अगर तुम चल के सारा बिल पे कर दो तो तुम्हें लेकर जा सकते हैं। मैं पे करूं? अबे ओ, किसी की हिम्मत है जो मुझसे पैसे मांगे? बस मुझे प्रॉमिस करो तुम दोनों वहाँ मस्त ठुमके लगाओगे। मैं सिंगिंग में एक्सपर्ट और मैं डांस में। सच कह रहे हो? बाय गॉड, गाड़ी लेफ्ट लो। गना, शादी पक्का कैंसल है, बुड्ढा अभी भी सदमे में। अंकल जी। हाँ अंकल जी। हाँ हमारी सिंगिंग और डांसिंग देखकर आपको शौक लग गया ना,
शादी टूटने की गुड न्यूज दे दीजिए। शादी क्यों कैंसिल होने लगी? इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा धांसू टैलेंट कहीं नहीं होगा। क्या कमर लचकाई है, क्या ठुमका लगाया है, पूरी बॉडी हिला के रख दी है। मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी। सुनो बेटा, ये शादी बिल्कुल फिक्स हो गई। बस एक बार सात फेरे हो जाए, हर शादी में, हर फंक्शन में, बार की ओपनिंग सेरेमनी में तुम दोनों ऐसे ही डांस करना। केस हार गए। लो बेटा कॉफी पियो। आपके यहाँ कॉफी का रिवाज है, पर हमारे यहाँ कुछ और ही चलता है। क्या पी रहे हो बेटा? विस्की। विस्की? हाँ। इसे तो सोडे और चकने के साथ लेना चाहिए, हमारे घर में पूरा स्टॉक है। गांव में इतनी तरक्की हो गई, पता ही नहीं चला। बेटा तेरा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया, आप क्या करेंगे? कुछ बड़ा सोचना होगा। क्या सिक्स पैक वाला हॉट हंक ढूंढा है? इतना इंतजार करवाएंगे, मन करता है उसे लेके भाग जाओ। तेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, अगर ये राजी हो जाए तो वुड बी हस्बैंड से एडवांस में डिवोर्स ले लूं। इसके साथ डेट पर जाऊं तो लाइफ सेट हो जाए। जीजा जी। क्या है जी? ज्योतिष ने कहा है कि भूतकाल, राहुकाल और भविष्यकाल का अशुभ समय चल रहा है। दुल्हन से मिलने के लिए एक घंटा और लगेगा, आप थकेंगे तो नहीं ना? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, आप जा सकती हैं। कीप वेटिंग जीजा जी। जीजा जी, इसने तो शादी फिक्स भी करवा ली, लड़की का फैसला सुनने के लिए एक घंटा और इंतजार करो। एक घंटा हम करेंगे क्या भजन? चाचू, इस अशुभ मुहूर्त को ही शुभ बना देते हैं, अभी जाकर लड़की को देखते हैं, 100% शादी टूट जाएगी। चलो। हमें मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। बेटा दो मिनट और इंतजार करो, बहुत देर से बाहर वेट कर रहा हूँ। जेपी अंकल कहाँ है?